हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं कि चैट जीपीटी को पायलट और हम नॉर्मल जो वीवीए प्रोग्रामिंग अपने दिमाग से लगाते हैं उसमें किस तरह से डिफरेंसेस आते हैं। तो एक प्रॉब्लम हम रखते हैं सबके सामने, एक प्रॉब्लम है जो कि है यहाँ पे नेम है, मुझे इसमें का यूनिक लिस्ट चाहिए। हालांकि यूनिक लिस्ट निकालने के लिए अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आप यूनिक का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर लेटेस्ट एक्सेल है तो यूनिक का फॉर्मूला लगाते यूनिक लिस्ट आ जाता है, या फिर इसको कॉपी करके मैं यहाँ रखूं, पेस्ट करूं और इसमें हम डेटा वैलिडेशन कर दें, नहीं सॉरी, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन ऊपर होता है, रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ डुप्लीकेट। लेकिन इस चीज को हम वीवीए प्रोग्रामिंग के लिए हम चैट जीपीटी और को पायलट से पूछते हैं। तो मैंने दोनों लॉगिन कर रखा है, चैट जीपीटी 3.5 एंड आपका चैट जीपीटी 4 पेड है, मैंने पेड लिया नहीं, मैंने 3.5 यूज कर रहा हूँ। ये आपका को पायलट है, को पायलट भी हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं। आई हैव नेम मल्टीपल नेम लिस्ट इन कॉलम ए, आई वांट टू यूनिक लिस्ट इन सी बाया दीजिए। और यहां पे हमने सेम क्वेश्चन पूछे। अगर अब मैं बात करूं कि अगर मैं इसको वीवी के थ्रू करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, फिर दोनों रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। तो मैं यहां पे सब्जेक्ट दूंगा आरा राइट ओपन क्लोज। सबसे पहले यहां पे मैं एक न्यू कलेक्शन लूंगा यहां पे कि डिम डी टी एज ए डी कर दीजिए या डी टी कर दीजिए, डी टी एज ए न्यू कलेक्शन। और फिर यहां पे करते हैं फोर आर इक्वल टू चले 1 2 रेंज 65,000 डॉट एन एक्सेलस अप डॉट रो। और फिर यहां पे मैंने कर दिया नेक्स्ट आई और यहां पे हमने किया डी टी डॉट एड और यहां पे सेल्स सेल्स में आई डॉट आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू कॉमा की देना पड़ेगा सी एस टी आर और इसके अंदर भी हम दे देते हैं सेल्स व आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू क्लोज कर दी। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और लगाएंगे फोर एच आइटम इन डी टी एंड रेंज सी, हम सी में डालना चाहते हैं ना, एक बार सी जाते हैं सी में डालना चाहते हैं सी के साथ सी 65,000 डॉट एन एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई और फिर यहां पे नेक्स्ट आई नेक्स्ट आइटम और एक कोड यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, क्योंकि यहां जब डुप्लीकेट एंट्री आएगी तो डुप्लीकेट एंट्री को एरर देगा। कलेक्शन सिर्फ यूनिक यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, जब डुप्लीकेट डालते हो तो एरर आता है, ऐसे एरर्स को इग्नोर करने के लिए इसका यूज हमने किया। अब इसको एक बार रन करते हैं, यहाँ पे लिया और रन कर दिया, डेटा लिस्ट में आ गया। अब चलिए हमें चैट जीपीटी ने क्या सोल्यूशन दिया है। तो चैट जीपीटी ने दिया है, अब देखिए इतना लंबा कोड इन्होंने दिया, इन्होंने लास्ट रो निकाला पहले
अब देखिए चैट जीपीटी ने पहले तो ऐसे 4-5 उसने डिफाइन किए, देन लास्ट रो को कैलकुलेट किया, देन सेम फोर इच सेल इन रेंज A1 और इसके साथ लास्ट रो को ऐड कर दिया। उसके बाद हर एक सेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू यूनिक नेम डॉट एग्जिस्ट सेल वैल्यू के बराबर। यहां पे यूनिक नेम में इन्होंने क्या किया, स्क्रिप्टिंग डायरेक्टरी को कॉल किया है। अगर हम को पायलट की देखें तो को पायलट ने हमें क्या दिया है, को पायलट ने एक सिंपल सा बोला रेंज फिल्टर कॉपी। इन्होंने एक्सेल के फीचर्स फिल्टर कॉपी को ही कॉल कर दिया। चलिए इसको एक बार हम इसको कॉपी करके इसको रन करते हैं। तो चैट जीपीटी का रिजल्ट समझ में वाला नहीं था, लेकिन हाँ इसने जो किया है, इसने क्या किया एडवांस फिल्टर के अंदर फिल्टर कॉपी में यूनिक वैल्यू को ही कॉपी कर लिया। तो एक जो है यहां अगर मैं हटा दूं सी को, तो यहां हम रन कर सकते हैं। रन, ये देखिए आ गया। तो यहां पे जो है हमने एडवांस फिल्टर को कॉपी किया, एडवांस फिल्टर को कॉपी करने से बेनिफिट हुआ। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि इसमें इसमें बल बाकी सब कुछ तो फिक्स है, बट सिर्फ कॉलन ए में फिक्स हो गया यहां पे, और लास्ट रो इन्होंने कैलकुलेट किया है एंड एक्सेलेफ अप एंड रो रोज डॉट काउंट। अच्छा नीचे से ऊपर गया है और ए बी मेथड यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए रहा हमारा चैट जीपीटी, तो क्या आपके सामने है। अब चैट जीपीटी के कोड को रन करते हैं कि क्या चैट जीपीटी के कोड रन होता है कि नहीं होता है। तो चैट जीपीटी के कोड को भी हम यहां पे रन करते हैं। चैट जीपीटी कोड रन हो रहा है। अब आप खुद देखे कि कोड जो है कैसे यूज हुआ। हालांकि इसने एक्सेल के फिगर एक्सेल के फीचर को ट्रिगर किया है, एक्सेल के फीचर को ट्रिगर किया है, बट ए सेम लोकेशन पे होगा, क्योंकि एडवांस फिल्टर में हम किसी और लोकेशन के अंदर नहीं जा सकते। क्योंकि इसलिए मैंने एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जैसे आप एडवांस फिल्टर यहाँ पे लगाओगे, एडवांस फिल्टर में यहाँ पे आपने यूनिक ओनली लिख दिया फिल्टर टू अदर लोकेशंस, अब इस लोकेशंस के अंदर में हम किसी और शीट पे जाते हैं, पहले तो नहीं जा पाते थे क्या, लेकिन अब क्या जा पाए, एक मिनट क्राइटेरिया है, यहाँ पे हम गए एडवांस फिल्टर कॉपी टू अदर लोकेशंस, और यहाँ जो C1 है इसके जगह पे हम किसी और शीट का रेफरेंस देते हैं, क्या किसी और शीट पे जाए, नहीं। तो इसकी लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस तो आपको नहीं बताएगा। अब इन्हीं लिमिटेशन को सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। जी हाँ, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपने देखा कि चैट जीपीटी को पायलट आपको दोनों सलाह दिया। अब चैट जीपीटी ने एक लंबा सा कोड दिया, इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको चेंज करना, इसको ऐड करना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन को पायलट ने एक सिंपल सा साधारण सा एग्जाम्पल दिया। बट ये सिर्फ इसकी भी एक लिमिटेशन है जो कि एक सिंपल सीट पे वर्क करती है, लेकिन जो मैंने कोड लगाया तो मैंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोड लगाया और उस कोड को रन किया। अब एक इंफॉर्मेशन है कि मेरा एक एडवांस एक्सेल और वीवीए माइक्रो का 2 बैच शुरू हो रहा है रात को 10 से 11, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड पे डिस्कस करेंगे, और आपको थर्सडे ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में बात करेंगे। एक दिन क्लास होगी, एक दिन प्रैक्टिकल के लिए आपको मटेरियल मिलेगा। दोनों कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो 4,000 इच कोर्स की 2,000 फीस है। 10 से 12 लोगों का बैच होगा, लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास होगा जिसके अंदर सारे सवाल वगैरह पूछ सकते हैं आप। तो अगर ज्वाइन करना है तो फटाफट मुझे नंबर पे कॉल कीजिए और क्लासेस को बुक कीजिए, जिसमें हम कंप्लीट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग आपके साथ डिस्कस करेंगे।